हेलो फ्रेंड्स, रुद्राक्ष लर्निंग वीडियोस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है मनीष और आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2019 में एक फार्मूला है हाइपर लिंक का। तो हाइपर लिंक का हम लोग फार्मूला देखने जा रहे हैं। आज तक हमने एमएस वर्ड के अंदर हाइपर लिंक का फंक्शन देखा है कि एक मेन्यू बार के अंदर एक ऑप्शन होता है जिससे हम लोग किसी चीज को लिंक करते हैं। यहाँ पर उसी हाइपर लिंक का फार्मूला देखने जा रहे हैं हम लोग कि एक्सेल में जो हाइपर लिंक का फार्मूला है वो कैसे यूज किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि रुद्राक्ष लर्निंग वीडियोस के चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए आप लोग बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो तो वो आप लोगों तक इजिली और फटाफट टाइमली पहुंच सके। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हाइपर लिंक का फार्मूला। तो हाइपर लिंक का फार्मूला जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर गूगल से लिंक किया हुआ है, मतलब www.google.com से। मतलब जब भी यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो गूगल की साइट हमारे सामने ओपन होकर के आएगी। ये देखिए, तो ये था हमारा हाइपर लिंक। यहाँ पर वेब डॉट व्हाट्सएप, मतलब व्हाट्सएप को अगर ओपन करना हो तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करके रख लीजिए। तो ये देखिए, हमने क्लिक किया यहाँ पर तो हमारा वेब डॉट व्हाट्सएप डॉट कॉम हमारा यहाँ पर ओपन हो गया। मतलब जो भी वेबसाइट को आप लोग लिंक करेंगे वो वेबसाइट यहाँ पर ओपन होगी। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वेबसाइट ही ओपन कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर सेल को भी लिंक कर सकते हैं, किसी अदर शीट की सेल को भी लिंक कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि कैसे किया जाता है। तो अब यहाँ पर सेल का एड्रेस कैसे दिया जाता है। अगर आपको किसी सेल का एड्रेस देना है तो आपको उससे पहले हैश लगाना होगा। उससे पहले आपको हैश लगाना होगा। सपोज आपको इस वाली सेल का एड्रेस देना है तो ये सेल क्या है, L10। तो चलिए यहाँ पर एक बार मैं कन्वर्ट करते हैं L10 को। तो हमारी जो सेल होगी वो L10 होगी, और L10 को कैसे लिखा जाएगा, हैश L10। इस तरह से लिखा जाएगा ये। तो अब बाद में अभी लिंक करना हम लोग देखेंगे कैसे लिंक करते हैं। अगर किसी दूसरी शीट की, मतलब शीट 1 के अंदर अगर आपको इसको लिंक करना है, मतलब G29 को, तो यहाँ पर हम लोग किसको लिंक करेंगे सेल के अंदर, G29 ऑफ शीट 1। मतलब शीट 1 की G29 को आपको लिंक करना है। तो इस जगह कैसे लिखा जाएगा उसको, आप लोगों को हैश लगाना है, शीट 1 लिखना है, उसके बाद शिफ्ट के साथ 1 नंबर प्रेस करना है जो कि एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है ये वाला। उसके बाद आपको एड्रेस लिखना है G29। तो अब देख लीजिए, देखते हैं लिंक कैसे किया जाता है। इक्वल्स टू हाइपर लिंक टैब की प्रेस करना है, लिंक की लोकेशन है हमारी ये वाली, कॉमा किसको लिंक करना है या उसका नाम क्या देना है तो वो नाम आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो क्या हुआ, हमारा गूगल लिंक हो चुका। अब इक्वल्स टू हाइपर लिंक, आपको लोकेशन सेलेक्ट करना है कौन सा एड्रेस है वो, कॉमा फ्रेंडली नेम पूछ रहा है तो इस नेम को आप चाहें तो इन्वर्टेड कॉमा में भी डाल सकते हैं यहाँ पर, इन्वर्टेड कॉमा। और यहाँ पर लिख दिया हमने व्हाट्सएप यूज, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस कर दिया, तो इसका नाम क्या हो चुका, व्हाट्सएप यूज हो चुका। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग खुद टाइप नहीं कर सकते, आप लोग खुद भी टाइप कर सकते हैं। अगर टाइप किया हुआ नहीं है तो आप हाइपर लिंक लगाएं, एड्रेस को सेलेक्ट करें, कॉमा उस लोकेशन को सेलेक्ट करें जहां वो नाम लिखा हुआ है, तो यही नाम आपका यहाँ डिस्प्ले होगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो मैं एक बार इन सबको ड्रैग कर देता हूँ नीचे की तरफ। तो ये सारी चीजें लिंक हो चुकी। गूगल व्हाट्सएप मैं आपको ओपन करके बता चुका हूँ, यूट्यूब पे क्लिक किया तो हमारा यूट्यूब ओपन होगा, ये देखिए www.youtube.com। नेक्स्ट आता है L10 सेल। L10 सेल पे तो जैसे हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे हमारा कर्सर ऑटोमेटिक यहाँ पहुंचेगा। देखिए क्लिक किया, कर्सर अपने आप यहाँ पहुंचा। नेक्स्ट आता है शीट 1 की G29 पे, तो वहीं क्लिक किया तो ये शीट 1 ओपन हो गया और शीट 1 की G29 पे हमारा कर्सर जा चुका है। तो ये था हमारा हाइपरलिंक का फॉर्मूला जिसमें हम लोगों ने शीट के सेल को लिंक करना देखा और वेब एड्रेस को लिंक करना देखा। वेब एड्रेस आपका पूरा लिखा हुआ होना चाहिए, बस यही कंडीशन है इसकी, कंडीशन यही है, वेब एड्रेस आपका पूरा लिखा होना चाहिए, मतलब विद HTTPS और ये डबल मार्क्स वाला है। तो ये सारा होगा तभी आपका हाइपरलिंक फॉर्मूला काम करेगा, नहीं तो एरर बताएगा ये। और ना इनको अपोजिट करना है, ऐसा भी नहीं करना है कि इक्वल्स टू आपने हाइपरलिंक लिखा, पहले इसको सेलेक्ट कर दिया कॉमा फिर इसको सेलेक्ट कर दिया एंटर प्रेस कर दिया, दिख तो जाएगा आपको बट जब भी आप क्लिक करेंगे तो मना कर देगा, कैन नॉट ओपन द स्पेसिफाइड फाइल, क्योंकि अब ये
इस नाम के, इसको तो इसने फ्रेंडली नेम ले लिया और ओपन कर रहा है गूगल को, तो गूगल अपने आप में कुछ नहीं है, एक टेक्स्ट है नॉर्मल। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे हाइपरलिंक का फॉर्मूला कैसे यूज में आता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग और कोई फॉर्मूला देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में इस वाली फाइल का मैं लिंक दे रहा हूँ, आप लोग डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।